देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट किया हुआ था, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये अगर हमारे पास एक क्यूब हो और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा हो, तो उसके लिए हमें लेंथ कैसे लेना पड़ेगा और एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, बराबर। अब अगर इसमें तुम्हारा एरिया चेंज होता है, तो मानो करंट अब हमारा इस तरफ से आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है, तो फिर मुझे रेजिस्टेंस क्या लिखना पड़ता, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और रो तो रो ही रहा था, और लेंथ कितना लिखते हैं इस बार, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है सी उसी को लेंथ लेना पड़ता सी, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसके परपेंडिकुलर वाले को लेना पड़ता, तो दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज, फॉलो कितना है, ए बी ए बी, तो ये ए रेजिस्टेंस का आंसर हो जाता, क्लियर। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल रो इनटू, बोलो वे बाय एल। अब हम लोग इस पे अच्छे क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारे पास, और इस सिलेंडर में जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है इस जगह पे कुछ ऐसा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और जो रेजिस्टिविटी है डेट इज वेरिएबल एंड डेट इज गिवन, रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू एक्स। अगर ऐसा रेजिस्टिविटी है तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, निकालो, इसका रेडियस आर दे रखा है और इसका लेंथ दे रखा है एल। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो इसमें हमें पता है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो वेरी करेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, एक्स डिस्टेंस पे जा करके सबसे पहले डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करूँगा, ये डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा डी आर, तो मैं देख लेता हूँ डी आर रेजिस्टेंस वो कितना होगा, रो एल बाय, और क्या मैं इस जगह पे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट मान सकता हूँ रो, तो ये जगह रो एल, लेंथ कितना होगा इसका डी एक्स थिकनेस है, और एरिया कितना हो जाएगा ए, जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया होगा ए, तो ये मैंने लिख लिया, तो ये चीज़ आ गया। अब मुझे रो का वैल्यू पुट कर लेना, विच इज़ रो नॉट इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे आर दे देगा, और जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बनेगा। अब एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के एल तक, तो यह आ जाएगा रो नॉट डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझ में आया क्या, और एरिया तो तुम आराम से निकाल ही सकते हो पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो गया। अब देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, पूरा तो नहीं कराऊंगा, हाँ हाँ बोलो, एरिया तो पूरा सिर्फ वो सर्कुलर पार्ट का होगा या पूरा? पूरा सर्कुलर पार्ट का एरिया लेंगे ना, ये वाला एरिया होता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसका परपेंडिकुलर एरिया तो ये होगा ना, आया ना, यस सर, है ना, तो वही एरिया यहाँ पे लिखेंगे विच इज पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं, और ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन, अब कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है,
आर इस जगह का रेडियस दे रखा है ए, या फिर आर मान लेते हैं थोड़ा सिंपल करने के लिए, आर आर इस जगह का रेडियस दे रखा है 2 आर, ठीक है। तो पूछा गया इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम या फिर दिस टाइप ऑफ रॉड। क्लियर है क्या? इसमें जो हमारा लेंथ दिया हुआ है इस जगह से इस जगह तक का, वो एल दे रखा है, दिस इज एल, ये तो मैं लेंथ दे रखा है। और इस जगह पे जो रजिस्टिविटी है वो भी चेंज हो रहा है। किस तरीके से चेंज हो रहा है? ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो रजिस्टिविटी इधर इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इन टू एक्स, इस तरीके से सॉल्व करो। चलो देखते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ सर, देखो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम जो होता है फ्रस्टम होता है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में फ्रस्टम बोल दिया जाए तो समझ जाना फ्रस्टम क्या चीज होता है। अब मुझे इसमें सेम काम करना है जैसा पहले किया था। क्या करना है? एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करना है। एक्स डिस्टेंस पे गया और डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। तो ये जो एलिमेंट चूज किया इसका रेजिस्टेंस छोटा सा होगा डीआर। तो डीआर रेजिस्टेंस कितना बोलूंगा? डीआर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब बताओ रो कितना? रो नॉट इन टू एक्स। और लेंथ कितना? डीएक्स। ए कितना बोलो? ए कितना? एरिया फ्रैक्शन। नहीं, ये जो एलिमेंट लिया है ना ये इस टाइप का है, ये जो एलिमेंट लिया है इसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसी एलिमेंट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दिस थिकनेस इज लेंथ। और ये जो अच्छा, है परपेंडिकुलर है। एरिया, हाँ ये परपेंडिकुलर वाला क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, दिस इज एरिया। समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? है हाँ ना? सर, तो मुझे क्या पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, ये कितना है, तभी तो मैं एरिया बोलूंगा, पाई बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? एज्यूम किया ना सर आपने, वो भी है उसका हाँ रेडियस। अज्यूम कर, हाँ अभी तो अज्यूम करा है और निकालना है उसे, तो कैसे करेंगे? अब देखो मैं एक ट्रायंगल बनाया इस जगह पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है कि नहीं? सही है क्या? उसी ट्रायंगल को मैं इस जगह पे दे रहा हूँ, उसी ट्रायंगल को यहाँ पे लेकर बना रहा हूँ। ये और ये, एक आर है और एक आर 2 आर है, और ये एक्स डिस्टेंस पे तुम बी का रेडियस लिए, और ये लेंथ कितना है? एल लेंथ है ना? चलो तो इसमें से क्या बी निकाला जा सकता है क्या? बी कितना होगा अगर इतने सारे वैल्यूज दिए गए हैं तो? सर वो 2R थोड़ी ना होगा, मतलब आपने वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ना हाँ तो 2 आर सर, ही तो होगा ना? 2R से थोड़ा छोटा होगा मतलब। कैसे तुम कर रहे हो, कैसी कैसी बातें करते हो तुम? ये ऐसे है ना, हाँ तो सर, परपेंडिकुलर तो सेंटर से जाता है ना, तो ये 2 आर जाएगा। अब इसको मैं कैसे दिखाऊं? 2D में दिखाना है मुझे, तो कैसे करके दिखाऊंगा? ऐसे करके ही दिखाऊंगा ना। बोलो, ठीक हाँ सर, है। यस सर, सॉरी सर। तो ये एंगल है थीटा, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा
या फिर मैं ट्रायंगल को सिमिलर कर लेता हूँ तो भी चलेगा काम, बराबर। कैसे हाँ सर, भी करके कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल को देख रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल को और एक बड़ा सा ट्रायंगल देख रहा हूँ, पहले इसमें निकाल लेता हूँ। ये लेंथ तो मुझे नहीं पता है ना, इसको क्या मान लूँ मैं, ए मान लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू 2 आर डिवाइडेड बाय एल प्लस ऑफ ए, है कि नहीं? ठीक हाँ सर, है, तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल प्लस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया इधर से, एल ए इज इक्वल्स टू एल आ गया, तो ये एल के बराबर है। अब मैं इस जगह से एक्स तो अननोन है, बी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो अब ये दो ट्राइंगल लूंगा, ये और एक बी वाला, ठीक है? तो आर डिवाइडेड बाय एल विल बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ऑफ एल। हाँ तो इधर से मेरा बी का वैल्यू कितना है, बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एल इंटू आर डिवाइडेड बाय एल, है कि नहीं? हाँ सर, ये चीज आया। तो अब इसमें लिखना है मुझे एरिया, तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई बी स्क्वायर, और ये एरिया यहाँ पे आएगा एंड दिस इज डी आर। तो देखो वही चीज मैंने बोला कि एरिया का वैल्यू को इस जगह पे पुट करना है, तो ये जगह डी एक्स डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू। तो मुझे अब इसको इस जगह पे पुट कर लेना है, कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वायर, और इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हो जाएगा आर इज इक्वल टू जो जो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, रो नॉट बाय पाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस ऑफ एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, है ना? बाकी सारे चीज कॉन्स्टेंट है, सिर्फ अंदर वाला ये टर्म कॉन्स्टेंट नहीं है, इसको अंदर ही रहने दो। तो हो जाएगा रो नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं, ठीक है, तो ये अब रेजिस्टेंस, अब इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इधर से तुम्हारा एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से L तक जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग अब क्या क्या देखेंगे इसमें, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है और उस रॉड के लेंथ को तुम बड़ा कर रहे हो, ठीक है? फर्स्ट लिख लेता हूं मैं लेंथ। तो हमारे पास एक रॉड था ये पहले, या फिर एक रेजिस्टेंस था जिसका लेंथ दे रखा था एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा था ए, रेडियस दे रखा था आर। अब तुमने इसको क्या करा, खींच दिया, लंबा कर दिया। तो इसको अगर मैं खींच दूंगा, स्ट्रेच कर दूंगा, इलोंगेट कर दूंगा, तो उसके कारण से इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, दिस विल बी द फाइनल लेंथ, हाँ सर, और इसका एरिया हो जाएगा ए फाइनल एंड रेडियस आर फाइनल हो जाएगा, बराबर। तो उसके कारण से इसका इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा, आर इनिशियल इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा,
रो एल फाइनल डिवाइडेड बाय ए फाइनल बराबर है क्या? रजिस्टिविटी जो मटेरियल का होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसको इलॉन्गेट करा तो रजिस्टिविटी हमारा चेंज हो जाएगा, हालांकि वो अलग तरीके से डिफाइन होता है, कभी कभी चेंज हो भी सकता है, लेकिन हम लोग के केस के लिए वो चेंज नहीं होगा। बस इतना सा हमें ज़ूम करके चलना है, देखो क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, या फिर मास जो रहेगा, इनिशियल मास और फाइनल मास, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम, एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? ए आई एंड एल आई, और फाइनल वॉल्यूम कितना है? ए एफ एल एफ। ये चीज हो गया। तो मैं इस जगह से रेशियो निकाल सकता हूँ, डेट एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल इज इक्वल्स टू ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल, है कि नहीं? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अब रेजिस्टेंस का रेशियो लेता हूँ, इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनिशियली था रो एल बाय ए, फाइनल कितना हो जाएगा? रो एल फाइनल अपॉन ए फाइनल, रो से रो कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारा एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल इनटू ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को देखें हम लोग, उसमें ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल किसके बराबर है? एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल। वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। तो इस जगह से मुझे एक रेजिस्टेंस का रेशियो निकल के आ गया कि आर जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। क्या लग रहा है? फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, इफ एल फाइनल इज ग्रेटर देन एल इनिशियल, देन फाइनल रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल रेजिस्टेंस। सर ये चीज हो गया। और क्योंकि फाइनल लेंथ बड़ा है तो एरिया जो फाइनल होगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि एक्स परसेंट से मैंने इसका इंक्रीमेंट करा। सर हाँ बोलो, तो डेंसिटी कांस्टेंट कैसे हो गया फिर? डेंसिटी कांस्टेंट में क्या प्रॉब्लम हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ सर, वॉल्यूम भी तो होगा ना सर, थोड़ा बहुत चेंज। वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? इनिशियल वॉल्यूम फॉल्यूम वॉल्यूम सेम, सर वो गिवन है, मतलब गिवन नहीं। हमारा जम्पशन क्या था? मास तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल सही है। और डेंसिटी को मैंने कांस्टेंट जब मान लिया तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को सेम तो होना ही पड़ेगा फिर। अच्छा, मतलब व्हेन डेंसिटी कांस्टेंट तब होगा हाँ ये। हाँ मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट एज्यूम करना ही है हमें। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा काम। अब थोड़ा रेडियस में भी रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर मुझे चाहिए होता कि आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल, ये लेंथ में वेरिएशन है, अगर तुम्हें एरिया में वेरिएशन दिया गया हो तो आंसर क्या निकलेगा? ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल का होल स्क्वायर। और क्योंकि एरिया होता है इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ डेट आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल के पावर 4। ठीक है क्या? हाँ सर, और यह रेडियस में वेरिएशन, ये एरिया में वेरिएशन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा
कि इफ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट, वेर एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल कहाँ तक लेना है, 2% 3% इज कॉल्ड स्मॉल, एक्स शुड बी 2, है ना, एक्स परसेंट कितना होना चाहिए, 2% से लेस होना चाहिए, तो उसको मैं स्मॉल बोलूंगा। तो इफ 3% तक भी जाता है तो भी चलता है, बस जैसे जैसे तुम परसेंटेज बढ़ाते जाओगे एरर बढ़ते जाएगा और कुछ नहीं। तो इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट, तो हमारा रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा ये निकालना है, ठीक है क्या? अरे बोलो, समझ में आया ना क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया, एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर। अगर तुमने एक्स परसेंट से इंक्रीज करा तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, बोलो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा? अगर तुमने 10% से इंक्रीमेंट करा किसी भी लेंथ को तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 + 0.1 L, यही होता है ना, तो सर 1.01 L ऐसे लिखते हैं। अगर एक्स परसेंट से इंक्रीज करा तो कितना हो जाएगा, 1 + x/100, सही है? हाँ सर, अब इसके वैल्यू को पुट कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एल फाइनल था इसमें पुट कर लेता हूँ, तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल विल बी इक्वल्स टू एल इनिशियल 1 + x/100 डिवाइडेड बाय एल इनिशियल का होल स्क्वायर, एल इनिशियल इनिशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 + 0.0x होल स्क्वायर आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। अब क्योंकि ये टर्म काफी ज्यादा छोटा है तो मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगा लेता हूँ, तो बाइनोमियल एक्सपांशन कितना हो जाएगा, 1 + 2 × 0.0x, तो आर सर फाइनल विल बी दिस टाइम ऑफ आर इनिशियल, सही है क्या? सब +0.0x² भी आएगा ना? बाइनोमियल एक्सपांशन करा है ना मैंने, हायर टर्म्स अच्छा को नेगलेक्ट करा है, ठीक हाँ सर, है? हाँ सर, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर मुझे निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विच इज डेल्टा आर बाय आर इन 200, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, 2 × 0.0x × RI डिवाइडेड बाय RI इन 200, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। बोलो, ये आ रहा है, आ रहा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक हाँ सर, है क्या? तो दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 2x%, गिवन डेट एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ये चीज। अब इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर हमारा रेडियस में, अच्छा लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीमेंट होता है, अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इंक्रीज तो होगी पर, हाँ इनवर्स रिलेटेड। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे उस टाइम,
ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए। तो अगर एरिया को एक्स परसेंट से इंक्रीज करा, तो इफ एरिया इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 2x%। ठीक है क्या? तीसरा, तीसरा क्या है, अगर इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4x%। क्यों? क्योंकि वो उसके पावर 4 था, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो 4 सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का एक और शॉर्ट ट्रिक मतलब दूसरा तरीका बताता हूँ, जिससे हम लोग और भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। जैसे गिवेन है तुम्हें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं अगर x में परसेंटेज कुछ चेंज करूंगा तो y में कितना परसेंटेज चेंज होगा या फिर इफेक्ट क्या मिलेगा वो हमें निकालना है। तो इस टाइप का काम करने के लिए पहले लॉग ले लो, ln y इज इक्वल्स टू ln x। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय y डी वाई इज इक्वल टू 2 1 बाय x डी एक्स, और इस डी वाई को पुट कर लो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 2 बाय x डेल्टा एक्स। अब अगर अच्छे तरीके से देखो, एक्स को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ बाय एक्स, परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एक्स किस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इन 200, है ना? तो मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो डेल्टा वाई बाय वाई इन 200 इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स इन 200। ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज चेंज इन वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एक्स। ये दोनों में रिलेशन ऐसा है। मेरी बात समझ में आएगा? ये 2 क्यों आया, ये पावर जितना था वही चीज यहाँ पे आ गया। अब जब हम लोग रेजिस्टेंस देखे तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, तो हम लोग जब डेल्टा आर बाय आर करेंगे ना, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्मॉल आर बाय आर, इसीलिए यहाँ पे 4x आया है। लेकिन x क्या होना चाहिए, स्मॉल। हमने ये जो कन्वर्जन करा ना, कौन सा कन्वर्जन, डी वाई से डेल्टा वाई में कन्वर्जन करा, ये कन्वर्जन तभी हो सकता है जब छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं। डी वाई तुम्हारा 5 होगा तो डेल्टा वाई नहीं लिखा जा सकता, है ना, छोटा हो। समझ में आया क्या, या फिर और कुछ समझाना है? सर इससे ज्यादा और क्या ही कौन समझाएगा तुम्हें। अब क्वेश्चन करते हैं। सर वो जो भी आपने शॉर्टकट वाले जो फॉर्मूलाज बताए वो ओनली वैलिड व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल ना? एक्स इज स्मॉल, और एक्स स्मॉल नहीं होगा तो कैसे करेंगे? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। ओके सर, क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड बाय 1% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द फाइनल रजिस्टेंस। फाइनल रजिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल रजिस्टेंस दे रखा है आर नॉट, सॉल्व करो। और वही सारी चीज अज्यूम करना है, रेजिस्टिविटी और हमारा डेंसिटी वो चेंज नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, उसने बता रखा है कि रेडियस को इस बार क्या करा है, उसने इंक्रीज करा है कितने परसेंट से, 1% से।
परसेंटेज हमें पता है कि अगर एक्स परसेंट से मैं इंक्रीज करूंगा रेडियस को, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 4x% से डिक्रीज होगा, बराबर। और x काफी छोटा दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा 4% से डिक्रीज रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इनटू 100 इज इक्वल टू 4। -4 लेना पड़ेगा तुम्हें इस जगह पे, क्यों? क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस वाई कम, प्लस कभी मत लेना, ये तो आंसर गलत आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, दैट फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इनिशियल में से कितना 4% घटा देना है मुझे, तो 4% डिवाइडेड बाय 100। अरे बोलो, समझ में आया क्या? हाँ फिर सर, से एक बार समझिए। दिस विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस। मैंने बोला तुम्हारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए का 10% मैंने ले लिया, तुम्हारे पास कितना बचा? तो 100 में से 100 का 10% ले लो ना, बोलो, हाँ सर, है ना? वही काम मैंने यहाँ पे करा है। तुम्हारा 4% से डिक्रीज कर गया है, तो फाइनल कितना बचेगा? 4% माइनस कर लो उसका, हाँ समझ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन तो छोड़ो, इसमें नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, बोलो। सर, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से लेंथ पे अफेक्ट नहीं होगा? नहीं, उसे हमें अज्यूम करना है कि अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है ना? हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि अगर मैं किसी भी रॉड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, ऐसा हम लोग को अज्यूम करना है, ठीक ओके सर। है? तो ऐसा देखा गया कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस रॉड का रेजिस्टिविटी देखा गया चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूँ, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी पे कंसंट्रेट किया गया, रेजिस्टेंस पे कंसंट्रेट अभी नहीं किया गया, रेजिस्टिविटी पे कंसंट्रेट किया गया। तो बोला गया कि जो रेट ऑफ, जिस रेट से रेजिस्टिविटीज का इंक्रीज हो रहा है वो रेजिस्टिविटी पे ही डिपेंड कर रहा है। क्या बोला गया? जिस रेट से इसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है वो रेजिस्टिविटी पे ही डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा समझने में अजीब लगेगा कि द रेट एट विच रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इसी तरीके से हम लोग डीके को वहां पे भी हम लोग देखेंगे, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो डीके वाला भी चीज देखेंगे कि डीके कांस्टेंट कैसे निकालते, कांस्टेंट नहीं मतलब वो फॉर्मूला कैसे निकलता है डीके वाला। तो अगर ऐसा दे रखा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे मैंने पहले ही बता दिया था कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर घटता होता तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ता है इस जगह पे, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक हाँ सर, है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा डी रो बाय डी टी इक्वल्स टू अल्फा रो। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब मुझे इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अल्फा इज कॉल्ड कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा? अल्फा कोफिशिएंट ऑफ बोलो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है रेजिस्टिविटी। ना? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो डी रो बाय रो इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी हो जाएगा, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा,
इंटीग्रेशन दोनों साइड कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, और ये भी इनिशियल से फाइनल। तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टिविटी, तो हो जाएगा एल एन रो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे डी टी है, अल्फा डेल्टा टी विच इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसमें तुम्हारा फाइनल रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा, एल एन रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से रो फाइनल जो हो जाएगा वो रो इनिशियल इंटू ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो इसमें रो क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टिविटी, रो नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी, अल्फा इज कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल, दिस इज डेल्टा टी। ध्यान देना, ऑलवेज मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव नहीं होगा, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, जब नेगेटिव होगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। क्लियर है क्या? अब इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि डेल्टा टी काफी छोटा है, फिर से हमारा एजम्पशन कि इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर हमारा डेल्टा टी काफी ज्यादा छोटा होगा तो उस केस के लिए ये जो फॉर्मूला है हमारा चेंज हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं हम लोग इसमें। इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। और अगर हम लोग एज्यूम करें कि ना तो हमारा लेंथ चेंज हो रहा है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है, तो फिर हम लोग रेजिस्टेंस को भी ऐसा लिख सकते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन अगर डेल्टा टी छोटा नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कैसे लिखना होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। ऐसा तो यहाँ पे अजम्पशन है कि डेल्टा टी इज स्मॉल। कितना स्मॉल तक लिया जाता है, बेसिकली स्मॉल हमें अल्फा डेल्टा टी का मल्टीप्लीकेशन देखना होता है, अल्फा डेल्टा टी का मल्टीप्लीकेशन वन से काफी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वन से छोटा होगा तो मैं इसको छोटा बोलूंगा, लेकिन अगर वन के कंपैरिजन में है तो फिर मैं उसको छोटा नहीं बोल सकता हूँ, तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही में क्वेश्चन भी आ चुका है इससे पे, और हमें तो मैं समझ में आना चाहिए, हमारे इसमें भी आ जाएगा सीबीएसई या फिर बोर्ड के एग्जाम जो होंगे उसमें भी तुम्हारा इस टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं अब इसमें। सर वो बायनोमियल एक्सपेंशन का कब कंडीशन सेटिस्फाई होगा? हाँ लिखा है, लिखा है कुछ। क्वेश्चन करते हैं, लेट से क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इफ इट्स इनिशियल रेजिस्टिविटी वाज, इफ द इनिशियल रेजिस्टिविटी वाज, रो नॉट ही ले लेते हैं, वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1%,
और इसका जो अल्फा दे रखा है कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो दे रखा है 10^-2 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, निकालो, फाइंड फाइनल रेजिस्टिविटी, सॉल्व करो। तो इसमें करना क्या पड़ेगा तुम्हें, फॉर्मूला में पता है फाइनल रेजिस्टिविटी 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, तो ये फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है? पहले अल्फा डेल्टा टी को देखो, अल्फा का कितना वैल्यू है, अल्फा इज 10^-2, डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो दिस इज 10^-2 एंड दिस वैल्यू इज रियली वेरी वेरी स्मॉल फॉर 1 इन कंपेरिजन विथ 1, 1 के रेस्पेक्ट में छोटा है, तो मैं फिर यही फॉर्मूला लगाऊंगा 1 प्लस ऑफ 10^-2। तो फाइनल रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, रो नॉट इनटू 1.01, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि रिपीट द अबव क्वेश्चन, रिपीट द अबव क्वेश्चन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेल्सियस, सॉल्व करो उसको। देखो दोनों अब इसमें हमें पहले ये देखना होगा कि अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, अल्फा कितना है 10^-2, डेल्टा टी कितना है 100, कितना आया 1, क्या 1 के रेस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, तो फिर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता हूँ, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये नहीं लगाऊंगा। फिर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू रो नॉट e^(α/Δt), ये लगाऊंगा, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट e^(e^1), ये होगा फाइनल रेजिस्टिविटी। तुम अगर इस जगह से निकालोगे तो फाइनल रेजिस्टिविटी कितना आएगा, 2 रो नॉट, लेकिन इस जगह से निकालोगे तो फाइनल रेजिस्टिविटी कितना आएगा, 2.7 रो नॉट। इसका मतलब तुमने ये जो निकाला गलत निकाला है ना, बहुत ज्यादा हाँ सर, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन कर ले, ऊपर जो मैंने बोला कि मान लो कि लेंथ इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन, चलो सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लूं कि हाँ अगर मैंने लेंथ में एक्स परसेंट से इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस में 2x% से इंक्रीमेंट होगा है ना, तो मेरे हिसाब से 20% से रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल ओरिजिनल मेथड से करूंगा, तो इनिशियली इतना लेंथ था, हमें पता है कि आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल कितना होता है, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर। अब एल फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ विल बी एल प्लस 10% ऑफ एल विच विल बी 1.1 L, वैल्यू पुट कर लो 1.1 L डिवाइड बाई एल का होल स्क्वायर, एल एल कैंसिल आउट, तो 1.1 का होल स्क्वायर, दिस इज आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल, तो आर फाइनल कितना हो जाएगा, आर इनिशियल और 1.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 1.21 1.21 है ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, यहां से अगर पता चले तो रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 21%, 21% से इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ का तुम अप्रोक्सीमेशन और यहाँ का अप्रोक्सीमेशन, ये हमारा ओरिजिनल मेथड, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया गया, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया गया, तो तुम अब देख सकते हो कि कितना डिफरेंस पड़ता है ना, कितने का डिफरेंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो
बहुत ही ज्यादा का डिफरेंस पड़ जाता है। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेट इज बैटरी। बैटरी, तो बैटरी का वर्किंग तुम लोग पढ़े ही होगे आई थिंक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें बताया गया होगा। केमिस्ट्री में बताया जाता है कि इलेक्ट्रोड है और ये इसको डिप किया गया इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इसको डिप करते हैं तो फिर आयंस मूव करते हैं, और आयंस के मूवमेंट जब होने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाती है किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे, और जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो वही फिर करंट फ्लो करने लग जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बैटरी बोलते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन अगर देखें, ये होगा इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा होता है, जैसे H2SO4 हो सकता है या फिर HCl हो सकता है, मतलब कि आयंस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, एक H+ और एक Cl-, अलग अलग तरह के सॉल्व यूज किए जाते हैं, मेरे को अभी याद नहीं है। तो कोई ना कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई एक इलेक्ट्रोड जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर आयंस होंगे, मान लो इस जगह पे नेगेटिव आयंस है, इस जगह पे ये आयंस है और पॉजिटिव आयंस, तो जो भी होगा इलेक्ट्रोलाइट के तरफ खींचाएगा, मतलब खींचाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स होगा एक इलेक्ट्रो लाइट के कारण से लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के कारण से। बेसिकली इलेक्ट्रोड के कारण से एक फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे कंसंट्रेट होने लगेंगे, इस जगह पे कंसंट्रेट होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेट होने लगेंगे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही अंदर डेवलप हो गया। किधर डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स इस नेगेटिव आयन पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और जिस समय ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा उस समय ये आयन मूव करना बंद हो जाएगा। तो उस समय बोलूंगा कि इसके ऊपर अगर मैं जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर रहा हूँ तो इसके ऊपर वी पोटेंशियल आ जाएगा, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोड रॉड होता है, जैसे जेडन का होता है, SU कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम, अलग अलग तरह के रॉड्स यूज किए जाते हैं जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अलग अलग होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, और जैसे ही अब तुम इस सर्किट को कंप्लीट करोगे, जैसे ही तुम इस सर्किट को कंप्लीट करोगे ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इन दोनों जगह पे आयंस हैं, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस, और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा लोड से तो ये करंट को फ्लो करने लगेगा, है ना। यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस होंगे, इस जगह पे भी कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लेते हैं और देते हैं, और उसके कारण से हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस होल कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली, दिस होल कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली बैटरी, ठीक है। और इस बैटरी को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो इस जगह पे जीरो पोटेंशियल है, तो इस जगह पे वी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वी बोला जाएगा। जीरो इज द रेफरेंस, ठीक है, तुम कोई सा भी रेफरेंस ले सकते हो। हम लोग जीरो ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी बनाता है, तो ये रेफरेंस है। अब अगर निप्पो बैटरी की बात करें, निप्पो बैटरी देखा है सभी ना? बोलो। हाँ सर,
अगर तुमने खोल करके देखा होगा निप्पो बैटरी, तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, कुछ बाहर जो होता है मेटेलिक जिंक सा ऐसा लगा होता है, और अंदर एक होता है कार्बन रॉड, है ना? अंदर होता है कार्बन रॉड, और इस वाले को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और इस वाले को नेगेटिव बोलते हैं, और इसी में हम लोग किसी भी लोड को कनेक्ट करते हैं, बल्ब को या फिर किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, और बीच में जो होता है फिलिंग होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ये जो फिलिंग है ये इलेक्ट्रोलाइट का फिलिंग होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट जरूरी नहीं है कि लिक्विड हो, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोलाइट, और ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड, दिस थिंग एंड दिस थिंग, केमिस्ट्री में बताया जाएगा ये सब। इलेक्ट्रोड ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से हमारा बैटरी बन गया, और ये बैटरी का वर्किंग है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता है कैथोड और एनोड पे, हमारा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कंज्यूम और प्रोड्यूस होता है, समझ में आ रहा है क्या? और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेंटेन्ड होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेंटेन्ड अक्रॉस द बैटरी, ठीक है? बैटरी के अक्रॉस हमेशा ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड होता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं ज्यादा देर तक बैटरी को लगा कर रखूँ तो अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था घट करके आधा हो जाएगा या फिर 1/3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुम कितना भी टाइम तक लगा कर रख दो, वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। अब दूसरा चीज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि इस जगह पे आयंस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को इस तरफ मूव करना है, नेगेटिव को इस तरफ मूव करना है, तो सॉल्यूशन के अंदर ढेर सारे और भी आयंस होंगे, उसके साथ टक्कर खाएगा वो, बराबर? तो कोलिजन होता है, तो इस टक्कर के कारण से जैसा मोशन होना चाहिए वैसा मोशन हो नहीं पाता, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को इस जगह पे एक रेजिस्टेंस से डिनोट करा जाएगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। तो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और वो फ्लो क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से होता है, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी डिपेंड्स ऑन द, क्या क्या चीज पे डिपेंड कर सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस, बोलो। मटेरियल एक मिनट, ऑफ द बैटरी डिपेंड्स ऑन गर्म किस किस बातों पे डिपेंड करेगा? पहला, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस लिखते थे, काइंड ऑफ उसी के सिमिलर सिमिलर जैसा है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है कि नहीं? ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या, है कि नहीं? कंसंट्रेशन पे डिपेंड हाँ करेगा। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी, सॉरी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया पे बताओ, अगर इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो घट जाएगा, कम होना चाहिए। है ना? कम हो जाएगा सरफेस एरिया, समझ में आ रहा है क्या? टेम्परेचर के बताओ कैसा होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये हमारा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसमें एक और चीज है कि जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो 10 एम्पियर है, मान लो 1 घंटे के लिए। तो तुम अगर इसका करंट बढ़ा दोगे 20 एम्पियर, तो अब जो ड्यूरेशन ऑफ करंट हो जाएगा वो हाफ आवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये काइंड ऑफ एनर्जी से हम लोग इसको टर्म से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी में आता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। स्मॉल में भी EMF हम लोग लिखते हैं। दिस इज EMF ऑफ द बैटरी, EMF ऑफ द बैटरी। EMF ऑफ द बैटरी समझ में आया ना? दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो भी वर्क करेगा कोई भी बैटरी किसी भी एक यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने में वो होगा हमारा EMF द बैटरी। तो मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिल्डअप हो चुका है वो इस डायरेक्शन में बिल्डअप हो चुका है, तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस तरफ आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो इस तरफ जाएंगे। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ये ऐसे करके है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो लाइक दिस, है ना? तो ये वी पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल बताया मैंने, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस डिपॉजिट होंगे वो थोड़ा उल्टा होगा। तो EMF वर्क कितना होगा बोलो, अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मैंने, बोलो वर्क कितना होगा अगर मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मैंने इसको चार्ज को मूव कराया, तो एनर्जी कितना गेन कर लेता है? क्यू इंटू वी, ठीक है क्या? यस सर, एनर्जी गेन बाय चार्ज, यूनिट चार्ज विल बी ई इंटू वी। अगर इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पे जीरो पोटेंशियल और ये वी पोटेंशियल है, अगर ये एक्सलेट कराया यहाँ पे पहुंचा, तो इस जगह पे इसके पास जो एनर्जी आ जाती है वो क्यू इंटू वी आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैट में तुमने पढ़ा होगा, तो एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, और इसी को हम लोग, ये हमारा जो कह रहेगा EMF इक्वल्स टू यूनिट चार्ज है तो 1 पुट कर लो, और ये तुमने वी लिखा है तो वी कर लो। जनरली हम लोग EMF को ई से डिनोट करते हैं, तो इसको वी को मैं हटा लेता हूँ, जहाँ पे वी डिनोट करा है इसको हटा लेता हूँ, उसको ई से डिनोट करता हूँ। तो 1 इंटू, सो EMF विल बी इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन है, कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, बोर्ड बोर्ड में पूछा जाएगा वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ एक बार याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए पता, कि जो EMF होता है हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं या फिर बताते हैं, ठीक है क्या? अब देखो बैटरी का दो चीज हो सकता है, एक डिस्चार्जिंग और एक चार्जिंग। बैटरी जब हम लोग लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस समय क्या हो रहा होता है? डिस्चार्जिंग, मतलब सपोज मैंने एक बैटरी लिया और इस बैटरी को मैंने किसी लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ,
तो करंट इस तरीके से फ्लो करता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसे बोला जाता है डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग के टाइम पे इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरली वी से डिनोट करते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज वी ए माइनस ऑफ वी वी, इसको डेल्टा वी बोलेंगे। और इस जगह को अगर मैंने जीरो बोल दिया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी। सो दिस इज वी, क्योंकि ये चीज हो गया जीरो, रेफरेंस ले लिया ना तुमने। अब क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे करके, तो समझना यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं मैं, बैटरी का ईएमएफ और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग मतलब होता है। मैं यहाँ पे नोट में डाल के लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी आर डिफरेंट, लेकिन इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो और करंट इज जीरो देन वी कैन से डेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी विल बी इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया तुम्हें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है, कॉन्सेप्ट में समझना अच्छे से तरीके से। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, वो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। मतलब कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, और ये अगर करंट फ्लो करेगा इसमें तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। इसमें हीट क्यों प्रोड्यूस हो गया? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है, तो हीट इसमें वाजिब सी बात है कि तुम्हारा जनरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो तुम लोगों ने बैटरी को देखा होगा, अगर बहुत ज्यादा देर तक यूज करो तो बैटरी हो जाता है गर्म। गर्म हो जाता है क्या? देखा है? अप्रिशिएट करता हूं मैं तुम्हारा, यस। चलो तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है और ईएमएफ क्या चीज है, क्यों ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। जनरली हम लोग क्या बोलेंगे कि ईएमएफ हो जाएगा तुम्हारा बड़ा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा कम, और उल्टा भी हो सकता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में। उतना ज्यादा मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। सिंपल सा बात समझ लो, अगर करंट फ्लो किया बैटरी में तो ये बैटरी हीटअप होने लग जाता है। और क्यों हीटअप होने लग जाता है? क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें हीट प्रोड्यूस होने लग जाता है। ये भी कुछ ना कुछ आई स्क्वायर आर जैसे बोलते हैं हम लोग पावर, तो इसमें हीट आने लग जाएगा और ये हीट के कारण से तुम फील करोगे कि बैटरी हो गया गर्म। तो ये काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, अनवांटेड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम कम कर सकते हो लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते हो। तुम निप्पो बैटरी में जाके देखना कितना उसमें लिखा होता है, 1.5 वोल्ट, है ना, 1.5 वोल्ट। हाँ सर, हाँ, निप्पो बैटरी खोल के देखना ना, सेल वगैरह लगाते हो ना अपने रिमोट में, है हाँ हाँ सर, ना, 1.5 वोल्ट लिखा होता है उसमें। तुम अच्छे ध्यान से इसे पढ़ना। हाँ तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ क्या होगा। इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ नीचे, अच्छे से समझना है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कितना आई। अगर मैंने इस जगह पे जीरो एज्यूम कर लिया है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आई इंटू आर, बराबर है क्या? तो सर बताओ इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा। ऑफ कोर्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल धीरे 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 यहाँ पे बढ़ते जाएगा, ये यहाँ तक कम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो कितना होगा इस जगह का पोटेंशियल, माइनस ऑफ आई इंटू आर, है ना। अब क्योंकि इस जगह पे माइनस ऑफ आई आर है, तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके प्लस थ्री क्रॉस, फाइव ई एम एफ ई है, तो ई माइनस ऑफ आई इंटू आर बराबर हाँ है क्या। बैटरी के क्रॉस हम लोग जाते हैं तो अलग तरीके से बिहेवियर होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस जाते हैं तो अलग तरीके से बिहेवियर होता है। अगर बैटरी के इस तरफ जाएंगे ऐसे करके, तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, अगर इस जगह पे फाइव होगा तो इस जगह पे कितना हो जाएगा वी प्लस फाइव, अगर इस जगह पे -10 होगा तो कितना हो जाएगा वी -10। बड़ा कौन है, वी -10 है या -10 बड़ा है, वी वी माइनस -10 बड़ा है ना। हाँ सर कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो वी का होना चाहिए, चाहे तुम इसमें देख लो चाहे तुम इसमें देख लो, है ना। बैटरी क्या करता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा घटते जाएगा, पोटेंशियल घटते जाएगा वी यहाँ पे और कम। अगर कंडक्टिंग है तब पोटेंशियल सेम है, अगर कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग है तो पोटेंशियल सेम है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आया बीच में तो यहाँ पे पोटेंशियल घट जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा लेस। कितना लेस होगा, करंट अगर आई है तो आई आर से कम हो जाएगा, वी माइनस ऑफ आई आर, ठीक है। हाँ सो सर अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया जीरो और मैं रेजिस्टेंस के इस तरफ जा रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा घटेगा, जीरो से छोटा क्या हो सकता है माइनस ऑफ आई आर, तो माइनस ऑफ आई आर कर दिया। लेकिन मैं अब बैटरी से जंप कर रहा हूँ तो बैटरी के इस तरफ जाऊंगा तो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा ई माइनस ऑफ आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी है, ये क्या है हमारा बैटरी, इतना सा बड़ा जो सिस्टम था दिस वाज बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ई माइनस ऑफ आई इंटू आर, सो दिस इज ई माइनस ऑफ आई आर। तो तुम कभी भी अगर एक 10 वोल्ट के बैटरी को, जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, तुम उस बैटरी को कनेक्ट करोगे जब सर्किट में, तो अब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 से घट करके कम हो जाएगा, या तो 9.9 हो जाएगा या 9.8 हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये था हमारा डिस्चार्जिंग का। अब चार्जिंग के केस में देखते हैं क्या होता है। पहले बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, 90s या फिर 20s की बात कर रहा हूँ, 2000 या फिर 1990 की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस समय बैटरी यूज़ किया जाता था, एक 12 वोल्ट का बैटरी आता था जिसमें एसीड वगैरह डालते थे, कभी देखा गया तुम लोगों के टाइम पे। अभी तो हाँ बैटरा सर यूज़ किया हाँ जाता है, इन्वर्टर वगैरह बैटरा यूज़ कराया जाता है, पावर अगर कट गया तो देखा गया, गांव में ज्यादातर यूज करते थे, मैं भी यूज करा हुआ हूँ उस टाइप के बैटरी, उसमें एसी डालते हैं और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको फिर चार्ज करते हैं, और जब रात को लाइट नहीं होता है तो फिर इसको यूज करते हैं और उससे एनर्जी मिलता है, बल्ब वगैरह चलता है, देखा गया। हाँ सर हाँ सर हाँ, तो जब चार्जिंग करना होता है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते थे, है ना। अच्छा, ये बैटरी जो है तुम इसमें भी देख सकते हो, तुम्हारे बाइक में भी लगता है, तुम्हारे इसमें भी लगता है, एक साइड बैटरी जिसको बोलते हैं, एक साइड बैटरी, वो क्या होता है सॉलिड वाला होता है, उसमें लिक्विड वगैरह चीजें, किसी की कोई कोई लिक्विड वाला भी होता है, लेकिन जनरली सॉलिड वाला लेते हैं ताकि बाइक वगैरह ऐसे से हिले तो उसे एसिड बाहर ना निकले, घर पे एसिड वाला होता है। पहले के टाइम की बात, अब तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया चीजें।
सॉलिड वाला तो अब समझा नहीं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड तो सॉलिड ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। जैसे निप्पो बैटरी में सॉलिड मटेरियल यूज किया जाता है फिलिंग के लिए, इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसको तुम कैसे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉलिड लिक्विड होता, कोई लिक्विड होता एग्जांपल दे दो। निकल जाता। तुम्हारा बाइक के लिए जाकर के पूछना, जो बैटरी आता है वो लिक्विड वाला भी आता है और सॉलिड वाला भी आता है। मतलब ये पूरा ही लिक्विड नहीं रहेगा, अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है वो लिक्विड होता है, वो कहने का मतलब है। अच्छा ठीक हाँ सर। है, तो इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा, बेसिकली चार्जिंग ऐसे ही होता है, और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और ये होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एसी लगा दो या फिर इन्वर्टर लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो भी लगाना है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करा, तभी ये चार्जिंग हुआ। तो यहाँ पे भी चार्जिंग करने के लिए तुम्हें बैटरी चाहता था कि मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊं, लेकिन अगर चार्जिंग कराना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो चार्जिंग के टाइम पे बैटरी कुछ इस तरीके से होता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो देखो इस जगह का अगर मैं जीरो पोटेंशियल बोल रहा हूं, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ आई आर, क्योंकि करंट इस बार इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन बैटरी का क्या होता है सीन, जब भी हम लोग इस तरफ जाएंगे तो बैटरी के क्रॉस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ई प्लस ऑफ आई आर हो जाएगा इस जगह पे। समझ में आया क्या? तो हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होगा, ई पोटेंशियल प्लस डिफरेंस आई अक्रॉस आर बैटरी, इन दोनों का डिफरेंस विच इज ई प्लस ऑफ आई इंटू आर, है कि नहीं? तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। तो चार्जिंग के टाइम पे बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अगर तुम्हारा चार्जिंग हो रहा है और डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो किस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के क्रॉस वो ज्यादा होगा इसके ईएमएफ। तो किस समय हो जाएगा, चार्जिंग के टाइम। जी तो एक सिंपल सा चीज था, बैटरी हम लोग समझ लिया, डिस्चार्ज हो गया और चार्जिंग हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस वगैरह जब हम लोग लगाते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किट प्रॉब्लम्स। सबसे पहले सर्किट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और फिर उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी लगाया, जनरली हम लोग बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से दो रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 5 ओम और ये 10 ओम, और ये दे रखा है 30 वोल्ट की बैटरी। तो ऑफ कोर्स करंट किधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है क्या? इसमें हमें दो काम सर करना है, पहला डिसाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैटरी के क्रॉस एज वेल एज रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है? तो बैटरी का पॉजिटिव तो ऑलवेज इधर ही होगा और नेगेटिव ऑलवेज इधर ही होगा, वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, करंट चाहे अपोजिट चार्जिंग हो रहा हो चाहे डिस्चार्जिंग हो रहा हो, बैटरी का प्लस माइनस ऑलवेज यही होता है। कोई दिक्कत? नो सर।
अब रेजिस्टेंस में प्लस माइनस डिसाइड करना है, तो करंट क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, मतलब कि हायर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल ये है। फिर से करंट इसमें भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नो सर। तो ये हमने प्लस माइनस डिसाइड कर लिया। एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ कैलकुलेशन दिखाने के लिए। करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5i होगा। -5 नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस होगा या माइनस बाद में बात करेंगे, कहाँ पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड में, और इसके क्रॉस 10i बराबर। यस सर। अब कोई भी रेजिस्टेंस है हमारे पास 5i का, इस जगह पे मान लो कि एक्स पोटेंशियल था, प्लस इधर डिसाइड किया हुआ और माइनस इस जगह लिखा हुआ है, तो मुझे इस जगह का पोटेंशियल चाहिए, वी ए मान लेता हूँ, ठीक है, इधर का आ जाएगा वी ए। तो हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे? मुझे इस जगह से चलना है, मुझे इस जगह से चलना है और इस जगह तक पहुंचना है, ठीक है? तो पहले लिखेंगे एक्स, मुझे इस जगह पे चलना है तो इस जगह क्या है पोटेंशियल? एक्स है। अब आगे चला तो क्या मिला मुझे? प्लस मिला। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5i। तो माइनस 5i लिखूंगा। और आगे चला तो क्या मिल गया? ये वाला पॉइंट विच इज ए, तो मैं लिखूंगा वी ए। सो वी ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5i। कोई दिक्कत है क्या? नहीं चलो अगर सर। मैं इस जगह का पोटेंशियल एक्स बोला तो इस जगह का पोटेंशियल तुम लोग मुझे बताओ कितना होगा? जीरो। नहीं, तुम्हें इस तरीके से जाना है, तुम्हें इस तरफ से जाना है। एक्स माइनस 10 है। नहीं, एक्स माइनस 15 अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें। पहले मैं इस जगह से चलता हूं, तो इस जगह से चला चला चला, मुझे पहले मिला प्लस, तो पहले तो मैंने एक्स लिख लिया, इस जगह पे पोटेंशियल था एक्स, एक्स लिख लिया, क्या मिला फिर? प्लस। प्लस का उल्टा माइनस। माइनस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 5i। तो मैंने फाइव लिखा 5i। फिर आगे चला, आगे चला तो क्या मिला? प्लस। प्लस का उल्टा माइनस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 10i। फिर आगे चला क्या मिला? ये पॉइंट, तो ये पॉइंट वी ए बोल लो, जो भी बोलना है तुम्हें, तो ये पॉइंट है वी ए इज इक्वल टू पी। तो वी ए कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 15i। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? बस अभी मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ, बोलो सर, क्या पॉजिटिव टर्मिनल को ही काउंट करना ना, बोल रहे हो। पॉजिटिव टर्मिनल को ही काउंट करना ना सर, बस। हाँ, सिर्फ प्लस वाले को काउंट करना है। तुम जिस तरफ से जा रहे हो ना उस तरफ तुम्हारा पहला क्या आया? प्लस आया तो उल्टा कर लेना है माइनस, और माइनस अगर आया होगा तो प्लस कर लेना, अच्छा बराबर। हाँ सर। अगर अगर मैं उल्टा चलता तो, एक मिनट थोड़ा सा कर लेता, अगर मैं इस जगह से चलता हूँ तो इस जगह से चलूंगा तो क्या आया पहले मेरे को? वी ए आया, तो लिखा वी ए, और आगे चला तो माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस 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 10i। फिर आगे चला तो आया माइनस, प्लस माइनस का माइनस उल्टा फाइव प्लस, प्लस फाइव फिर आगे चला तो यहाँ आ गया एक्स, तो इक्वल। इक्वल्स टू एक्स। अब देखो ये और ये इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है क्या?
अब हाँ नेक्स्ट एग्जाम, सर, एक और हाँ एग्जाम, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी और एक और रेजिस्टेंस, ठीक है? इस में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है 5 ओम, सॉरी हाँ रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, और इसका दे रखा है 10 ओम, और ये दे रखा है 10 वोल्ट का बैटरी। तो तुम्हें बताना है कि ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा? तुम लोग करके बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ आई थिंक समझ आएगा आंसर। -20. देखो तो सबसे पहले प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अभी भी तो प्लस इधर माइनस इधर, बैटरी का प्लस माइनस अपना डिसाइडेड होता है पहले से ऐसा। अब मैं पॉइंट ए से चलूंगा, तो मैंने लिख दिया वी ए, और आगे गया तो नेगेटिव प्लस आया, तो प्लस का उल्टा माइनस, और करंट आई है तो 5 × 2, फिर आगे गया तो मुझे क्या मिला माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस कितना है 10, 10 पुट कर लिया, फिर आगे गया तो आया प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 10 i, 10 × 2, और ये आ गया पॉइंट ए, तो मैंने लिखा वी ए, तो वी सॉरी ये बी है ना, सॉरी बी होगा, हाँ कोई बी बात, माइनस ऑफ ये कितना 10 + 10 माइनस ऑफ 20 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा वी ए, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू -20. हाँ सर, माइनस ऑफ 20, ठीक हाँ है सर, क्या? आप कोई दिक्कत इसमें? चल नो नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ये 6 ओम, 5 ओम एंड 4 ओम, ये 10 वोल्ट का बैटरी और ये 5 वोल्ट का बैटरी, फाइंड वी माइनस वी बी निकालो। चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, देखो मैं इस जगह से चलता हूँ, करंट क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस इसका इधर होगा माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर और माइनस इधर, और इसका प्लस इधर माइनस इधर, माइनस एंड प्लस, तो इस जगह से स्टार्ट करा तो ये हो जाएगा वी बी, प्लस आया पहले उल्टा माइनस हो जाएगा तो 6 × 2, फिर आएगा प्लस का उल्टा माइनस 5, फिर आया प्लस, प्लस का उल्टा माइनस 5 × 2, हाँ यहाँ तक सर, पहुँच गया, फिर आया माइनस, माइनस का उल्टा प्लस 10, और फिर आया प्लस का उल्टा माइनस 4 × 2 इज इक्वल्स टू वी ए, मुझे क्या निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू कितना आया 12 और ये 8 -5. है ना, 20 हो गया ये, और ये 10 10 चला गया, तो आंसर कितना आ गया माइनस 25, ठीक हाँ सर, है? सो दिस विल बी द हाँ सर, आंसर। तो क्या बोला था, हाँ इसमें एक और चीज देखो, इसको अगर वेरीफाई करना है तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर का एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये 5 ओम था, ये 10 ओम, और मान लो कि एक बैटरी है जो कि लगा के रखा है मैंने इस जगह पे 30 वोल्ट का, और करंट मुझे नहीं पता है करंट कितना होगा, वैसे तुम चाहो तो करंट बता सकते हो कितना होगा, करंट कितना करंट होगा? हेलो, 2 सर. 2 एम्पियर बराबर, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, तो
प्लस माइनस डिसाइड कर लेता हूँ, प्लस इधर होगा, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, और इसका माइनस इधर, प्लस इधर। मैं इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस जगह पे एंड कर रहा हूँ, तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही बोलूंगा मैं, ए तो ये भी ए, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। इस जगह से स्टार्ट करा तो इस जगह पे क्या पोटेंशियल है, वी ए, वी ए लिख दिया। फिर आगे चला, आगे चला तो क्या मिला, नेगेटिव, माइनस का उल्टा प्लस 30। फिर आगे गया, प्लस आया, प्लस का उल्टा माइनस, यस 5 × I, करंट I है। फिर आगे चला तो आया प्लस उल्टा माइनस 10 I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहुंच गया मैं ए, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए, वी ए और वी ए दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू 59। सो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, जो कि तुमने पहले भी बताया था। तो ये भी एक सब तरीका है, लगा बोलो सकते क्या क्या। V equals to IR. हाँ एग्जैक्टली, हम लोग इसको V इज इक्वल्स टू IR से भी कर सकते थे, है ना। इसमें क्या कर लेते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5 + 10, और V कितना है, 30। सो I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। यही तो मैंने तुम्हें पहले पूछा, क्योंकि तुम इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, और फिर हमने इस तरीके से अभी करके बताया कि हाँ इस तरीके से भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और भी इसके अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे और जो मेंस में आए हुए हैं जेई में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है क्या। हाँ हाँ सर,